Hello students, I am Goli. Today's topic is Newton's third law of motion. अभी तक आपने first law and second law के बारे में जाना. पहला नियम क्या कहता है न्यूटन का? कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन यानी कि स्थिति क्या है, अगर वो रेस्ट की पोजीशन में है तो रेस्ट में ही बनी रहेगी, और अगर वो मोशन की पोजीशन में है तो वो मोशन में ही बनी रहेगी. व्हेन, जब तक कि हम इसमें फोर्स अप्लाई ना करें. फोर्स, अगर जब हम फोर्स इस पे अप्लाई करते हैं तभी उनकी पोजीशन में चेंज होगा. इट मींस कि रेस्ट की पोजीशन की जो वो है, उसकी किसी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है तो वो मोशन में आ जाएगा, और मोशन की पोजीशन में है तो वो रेस्ट में आ जाएगा जब हम उस पे फोर्स अप्लाई करेंगे. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स प्रोड्यूसेस अ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. फोर्स प्रोड्यूसेस अ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, अब सेकेंड नियम, न्यूटन का सेकेंड नियम आपको पता है. वो बताता है कि एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए. इट मीन्स कि फोर्स जो है, फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी मास पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मतलब ऑब्जेक्ट कुछ उसका मास होगा तो उस पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो एक्सेलरेट हो जाएगा, यानी कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन. तो ये जो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है तो मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन. तो इसका न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट. जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा बाय द फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट का मास कुछ होगा तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए. ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है. बट इन दोनों नियमों में वो ये नहीं बताते कि कैसे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, हाउ डज द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट. हाउ डज द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स कैसे अप्लाई होगा, कब अप्लाई होगा और उसका रिजल्ट क्या आएगा. तो ये सारी चीज एक्सेलरेट करने के लिए अप्लाई होगा तो ये तो बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि कैसे. इसका आंसर देता है आपका न्यूटन का थर्ड लॉ, जिसके अकॉर्डिंग ये कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ओके, इससे पहले इसको समझने के लिए आपको जब फोर्स पढ़ा रहे थे तो मैंने एक फ्रिक्शनल फोर्स, जो कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स पढ़ाए थे, तो उसमें कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत एक सीरीज थी फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और दूसरी थी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो था वो यही था कि एक जो एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन अनिवार्य होगा, इक्वल होगा और अपोजिट होगा. तो यही न्यूटन का थर्ड लॉ भी है कि जो भी एक्शन होगा, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज, हमेशा एन इक्वल, बराबर एंड अपोजिट यानी कि डायरेक्शन में विपरीत रिएक्शन होगा. अगर हम फोर्स इधर लगाएंगे किसी चीज पर, कोई भी चीज पे फोर्स लगाएं, सपोज दैट बॉल, बॉल है, दीवार है, और दीवार पे हम अपने पाम से फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर, तो दीवार भी हम पर, हमारे पाम पे उतना ही फोर्स लगाएगी जितना फोर्स हम दीवार पर लगा रहे हैं, उतना ही, लेकिन अपोजिट, इक्वल अपोजिट अनिवार्य रूप से लगाएगी. तो कि तो इससे अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं. अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, एक बुक जो टेबल पे रखी है, या कोई भी बॉक्स टेबल पे रखा है, कोई भी चीज, तो वो अपने वेट के कारण, बुक जो है अपने वेट के कारण टेबल टॉप पे फोर्स कर रही, फोर्स डाल रही है अपने वेट के कारण. वो रखी हुई है तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, लेकिन बुक नीचे नहीं गिरती है. वो भाई फोर्स लगा रही है लेकिन वो नीचे डाउनवर्ड नहीं गिरती है. ये क्यों नहीं गिरती? क्योंकि ये उसी स्थिति में हो सकता है जब नेट फोर्स रिजल्टेंट जीरो हो. क्यों? कि हमने ये पढ़ा था ना कि जब बैलेंस ऑन अनबैलेंस फोर्स में
बैलेंस फोर्स सीबीएसई के स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से फर्स्ट टॉपिक ही है उनका कि बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स कब होता है? जब नेट फोर्स जो है वो जीरो हो, कि जितना फोर्स इधर से लगाया गया उतना ही अपोजिट डायरेक्शन से, उतना ही इधर से, या उतना और मतलब टू या मोर देन टू, लेकिन उनका रिजल्टेंट जीरो आएगा तब, जबकि सब तरफ इक्वल होगा फोर्स, यानी कि दोनों तरफ जैसे इधर से जितना फोर्स लगा उतना इधर से लगा और इधर से जितना लगा उतना ही उधर से, तो नेट फोर्स इज जीरो, तभी वो स्थिति बैलेंस्ड होगी, तभी वो ऑब्जेक्ट बैलेंस होगा। तो यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए बुक जो टेबल पे रखी है उसके बैलेंसिंग के लिए क्या अनिवार्य है? उसकी बैलेंसिंग के लिए अनिवार्य है कि जितना फोर्स बुक टेबल पे लगा रही है अपने वेट के कारण, ड्यू टू इट्स वेट, वेट के कारण उतना ही फोर्स टेबल भी उस पर लगाए, तभी तो रिजल्टेंट जीरो होगा और तभी तो बुक जो भी चीज रखी है मेज पे वो बैलेंस रह पाएगी, नहीं तो वो गिर जानी चाहिए, लेकिन वो गिरती नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जितना फोर्स बुक टेबल पे लगा रही है डाउनवर्ड, अब हम आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से इसको और क्लियर करते हैं कि जैसे टेबल पे बुक रखी है या कोई बॉक्स रखा है तो जितना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो टेबल पे लगाती है अपने ड्यू टू इट्स वेट, उतना ही फोर्स टेबल जो है उसके ऊपर अपवर्ड लगाती है, तभी बुक बैलेंस रहती है। तो ये क्या है? एक्शन का, ये बुक ने इस पे एक्शन किया और टेबल ने उस पे रिएक्शन दिया उसके वेट के कारण, बुक ने अपने वेट के कारण टेबल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्शन किया, फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ बुक ऑन टेबल। ओके, तो उतना ही फोर्स इक्वल बट अपोजिट, ध्यान दीजिए, उतना ही फोर्स जितना कि उसका वेट है बुक का, बट उतना ही फोर्स, इक्वल फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट इन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वो ऑन बुक ड्यू टू टेबल, टेबल के कारण बुक पर लग रहा है, जो कि हमने रेड मार्क से दिखाया है, जो एक्शन है वो ब्लैक मार्क से, ब्लैक एरो है, और जो रिएक्शन है वो रेड एरो से है। तो रिएक्शन फोर्स जो है वो ये है और एक्शन फोर्स जो है वो फोर्स ड्यू टू बुक के कारण टेबल पे लग रहा है, बुक के कारण टेबल पे फोर्स ऑफ एक्शन और टेबल के द्वारा बुक पर फोर्स ऑफ क्या कहते हैं रिएक्शन फोर्स या फोर्स ऑफ रिएक्शन, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये आपका ये हो गया रिएक्शन फोर्स। तो इस तरह से हर एक्शन का, एवरी एक्शन हैज, देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल हम आपको देते हैं अपने चलने के ही, मतलब हम जब चलते हैं तो वाइल मूविंग ऑन द ग्राउंड, जब हम चलते हैं तो जितना फोर्स हमारे पैर बढ़ने के लिए जमीन पे लगाते हैं उतना ही फोर्स जो जमीन है वो हमारे पैरों पे लगाती है, तो इसीलिए हम दोनों चूंकि इक्वल रहते हैं और इसीलिए हम बैलेंस होके चल पाते हैं। तो वाइल मूविंग ऑन द ग्राउंड वी एक्सर्ट ए फोर्स बाय अवर फीट टू पुश द ग्राउंड, तभी तो हम पुश करते हैं अपने पैर से जमीन को पीछे की तरफ धक्का देते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे पैर। तो पुश, वी एक्सर्ट ए फोर्स बाय अवर फीट टू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड, पीछे की तरफ धक्का देते हैं और द ग्राउंड एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड ऑन अवर फीट, हम बराबर बता रहे हैं इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स इक्वल रहेंगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसीलिए ये बताना मुश्किल है कि कौन एक्शन, कौन सा एक्शन वाला है और कौन सा रिएक्शन वाला है। कुछ तो ये फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ऑन अवर फीट फॉरवर्ड, और वो जब वो पीछे की तरफ फेंक रहा है, पीछे की तरफ ग्राउंड पे फीट के द्वारा ग्राउंड पे पीछे की तरफ लगाया जा रहा, तो ग्राउंड जो है हमारे ऊपर आगे की तरफ फॉरवर्ड, विच मेक्स अस टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, मतलब आगे बढ़ाता है उसको। तो ये है न्यूटन का, दस न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, लेकिन इससे पहले हम आपको इन दोनों एग्जाम्पल जो हमने दिए, पहला एग्जाम्पल हमने आपको दिया बुक और टेबल का और दूसरा एग्जाम्पल दिया चलने का, यहाँ हमारा आप जो चलते हैं जमीन पे तो फोर्स हमारे ऊपर जितना अप्लाई होता है, जितना हमारे पैर
जमीन पे फोर्स बैकवर्ड लगाते हैं, उतना ही जमीन हमारे ऊपर फोर्स फॉरवर्ड लगाती है और उसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो इन एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं, दो चीजें देखते हैं। कौन कौन सी? एक तो दो ऑब्जेक्ट हैं और दो ही फोर्स है। ऐसा नहीं है कि एक ही ऑब्जेक्ट और दूसरे पे भी लगा रहा, उसी पे भी लग रहा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ये क्लियर होना चाहिए आपको कि ऑब्जेक्ट भी दो हैं और फोर्स भी दो है और दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं। एक एक्शन कर रहा है, यानी कि कौन सा किस पे एक्शन कर रहा है, इसको एक बार फिर से समझिए। देयर आर टू ऑब्जेक्ट एंड टू फोर्सेस। द फर्स्ट एग्जाम्पल, वेट ऑफ द बुक एक्टिंग ऑन द टेबल डाउनवर्ड, यानी कि जो बुक के वेट के कारण डाउनवर्ड टेबल पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, और उतना ही फोर्स इक्वल अमाउंट में जो बुक है, वो टेबल है, टेबल टॉप है, वो बुक पे उतना ही फोर्स इक्वल अमाउंट में बट अपोजिट इन डायरेक्शन वो डाउनवर्ड लगा रही है और ये अपवर्ड लगा रहा है, और तभी बुक बैलेंस है, उस पर रखी हुई है। तो ये हो गया आपका पहले एग्जाम्पल का। तो ये कहलाता है डाउनवर्ड जो लगा रही है, जो बुक लगा रही है डाउनवर्ड, वो है फोर्स ऑफ एक्शन, और जो टेबल लगा रही है बुक पर, वो है फोर्स ऑफ रिएक्शन। ओके, अब सेकेंड एग्जाम्पल में हमने आपको बताया कि जो बुक लगा, जो हम पैरों से चल रहे हैं, तो उसका, तो जो डाउनवर्ड लगा रही है तो वो डाउनवर्ड एक्शन है, एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन है, और जो अपवर्ड लगा रही है, डाउनवर्ड लगाया फोर्स ऑफ एक्शन, अपवर्ड लगा रही है फोर्स ऑफ रिएक्शन है। दूसरे एग्जाम्पल में भी यही है कि जो पैरों के द्वारा फर्श पे लग रहा है वो डाउनवर्ड फोर्स ऑफ एक्शन है, और जो फर्श के द्वारा हमारे पैरों पे लगाया जा रहा है वो अपवर्ड है, तो वो है फोर्स ऑफ रिएक्शन। अब अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ, न्यूटन क्या कहता है, न्यूटन के थर्ड लॉ क्या बताता है? इन द इंटरेक्शन ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन, इट मीन्स द फोर्स एफ ए बी, फोर्स ए पे, फोर्स जो है ए के द्वारा, जब ए के द्वारा बी पे लगाया जा रहा है, और फोर्स ऑफ रिएक्शन बी के द्वारा ए पर लगाया जा रहा है। तो ये डाउनवर्ड भी हो सकता है, यानी कि ये इसके ऊपर लगा रहा है ए, और बी जो है वहीं पर है बी भी, तो वो उसके ऊपर अपवर्ड की तरफ, वो अपवर्ड लगा रहा है ऊपर की तरफ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन, इट मीन्स द फोर्स एफ ए बी, रिएक्शन जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब है द फोर्स एफ ए बी, यानी कि ए के द्वारा बी पर अप्लाइड बाय द बॉडी ए, यानी कि ए पर जो लग रहा है, नहीं, ये बी द्वारा ए पर लगाया जा रहा है, और इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्शन, दैट इज द फोर्स एफ बी ए, फोर्स एफ बी ए, यानी कि बी पर एक अप्लाइड बाय द बॉडी ए, ए के द्वारा बी पर, बट दे आर इन डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर। इसका मतलब ये है कि जो एफ ए बी का मतलब ये हुआ कि बी के द्वारा ए पर लगाया जा रहा है, और एफ बी ए का मतलब हुआ कि बी पर लगाया जा रहा है ए के द्वारा। ओके, बी के पर लगाया जा रहा है ए के द्वारा, लेकिन ये दोनों ही रिएक्शन में, अभी पहले बताया था कि एक्शन और रिएक्शन में ये नहीं पता लगता कि कौन एक्शन कर रहा है, कौन रिएक्शन कर रहा है, तो लेकिन दोनों एक दूसरे पर लगाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर। तो इससे क्या निकलता है निश्चय, एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, अलग अलग बॉडी पे लगाया जाता है, एक ही बॉडी पे नहीं, बट दे ऑलवेज एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन टू डिफरेंट बॉडी, एक ही समय पे लगाएंगे लेकिन दोनों डिफरेंट बॉडीज पे लगाएंगे, दैट इज द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ पेयर, यानी कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो हमेशा पेयर में रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। अतः एक पे एक चीज, तो दूसरे पे एक अपवर्ड लगाएगा तो दूसरा डाउनवर्ड लगाएगा, एक डाउनवर्ड लगाएगा तो दूसरा अपवर्ड लगाएगा, एक ही समय पे लगेंगे और पेयर में लगेंगे। तो ये है न्यूटन का थर्ड रूल।
अब इसका एक्सपेरिमेंटल डेमोंस्ट्रेशन एंड एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।